किसी ने एक सवाल किया क्या लीच थेरेपी करवाना इस्लाम इस्लाम में सही है तो देखिए लीच थेरेपी आप करवा सकते हैं करना है कर। लीच थेरेपी क्या है जोंक के जरिए इलाज करवाना जोंक होता है ना खून जो चूसता है तो लीच थेरेपी बोलते हैं उसको वो तो जोंक को लाते हैं और आपके आँख पे जिसम पर कई चीज़ों के लिए करता है जिसमें से एक, एक मिसाल तो है किसी को अगर स्किन डिसीजेज़ है जिल के अमराज हैं तो वो जोंक से थेरेपी कराते हैं मतलब वो जो है लीच से जोंक के ज़रिए क्या करते हैं वो लीच को ला चिपका देते हैं फिर वो लीच आपके उस पर लग जाती है खून भी खींच लेती हो इसी तरह जहाँ जख्म लगकर खून जमा हो जाता है और निकलने के चांसेस नहीं होते वहाँ भी वो थेरेपी काम आती है क्या होता है वो गंदा खून हो जाता है क्योंकि तो वो नसों में नहीं जाता है मार लगने से निकल के स्किन के और उसके बीच में आता है मसल्स के तो वहाँ भी जोंक को छिटका देते तो वो क्या करता गंदा खून को चुच देता किसी जगह लीच थेरेपी यहाँ भी काम आती समझ लीजिए जैसे कोई आजा का ऑपरेशन हो जैसे ऊँगली टूट गई अब इसका ऑपरेशन हुआ तो होता क्या है खून आता है और उतने रफ्तार से वापस नहीं जाता चूँकि नसों को अभी अभी जुड़ाया जाता है तो वहाँ जोंक लगा देते हैं हाथ पे तो क्या होता खून आता है और कुछ वापस जाता है और कुछ जोंक चूस लेती है खून आता है तो उससे क्या होता है रवानी भी चालू रहती है खून की और प्रेशर भी अननेसरी प्रेशर डेवलप रहता तो है वापस जाने वाले खून का वहाँ भी काम आता है आ, ये मछलियों से भी किया जाता है आपने अगर देखा होगा मॉल्स वगैरह में आजकल कॉमन है पैर दाल के लोग बैठते हैं वो मछलियाँ आके आपकी डेड स्किन खाती है जिनको जिसम की जिल की बीमारियाँ होती है वो मछलियाँ क्या, क्या करती है वो जल को खा लेती है वो फंगस आँख पर आती है खुजली वगैरह होती है बच्चों में बहुत कॉमन डिसीज से फंगस से जो होते हैं वो मछली भी करती है लीच से भी होता है और ख़राब खून के लिए भी सू किया जाता है और बहुत सारे ऑपरेशन में यूज़ होती है तो हाँ लीच थेरापी मतलब लीच के ज़रिए जौक के ज़रिए खून जो चूसती है और इलाज होता है वो करवाना इन कोई इसमें हर्ज नहीं बल्कि अल्टरनेट थेरेपी में काफ़ी मशहूर थेरेपी है लीच थेरेपी याद रखिए जो कि इस्तेमाल होती है इसके अलावा और भी थेरेपी जैसे जानवरों के जरिए जैसा एक होती है शहद की मक्खी से डंक मारने लगवाते हैं हम और उसकी भी एक थेरेपी यादक जो लोगों का इम्यून सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डनरी एक्टिवेट हो जाता है किसी वजह से इसके नतीजे में होता है कि ज़रूरत बराबरी जिसमें अगर ऐसी चीज़ कोई आई तो पूरा जिसम एक्शन में आ जाता है और बुखार और सर्दी जुकाम फर्क समझ तो उसके लिए वो डंग बांधने वाली थेरेपी है उससे डंग बांधने लगा हैं तो जिस फिर वो चीज़ के हस छोड़कर इसके चक्कर में लग जाता है मतलब तो इसको क्योर करने में लग जाता है ऐसी थेरेपीज़ भी मौजूद हैं जो खासतौर से अस्थमा वगैरह वाले लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है आजकल क्योंकि उनको डंग मारने लगवाते हैं और उससे माशाला अस्थमा में उनको बेनिफिट होता है अस्थमा क्या होता है इंसान सांस ले रहा है तो उसके जो गले के जो हिस्से होते हैं कुछ टॉन्सेज वगैरह एक्स्ट्रॉडनरी एक्टिव हो जाते हैं कि जरा बराबर भी कोई जरासी मार है तो इतना ज़्यादा एक्शन ले लेते हैं कि आदमी को बीमार कर देते हैं फिर वो क्या करते तो डंग रहते हैं डंग मारने वाली थेराेरापी करती हैं यहाँ डंग मारने से बॉडी यहाँ एक्शन नहीं लेगी यहाँ एक्शन लेती है नतीजतन वो जल्दी बीमार नहीं होते तो रेगुलर करते हैं। तो ऐसी थेराेरापीज़ इसमें इंशालोजिस्ट को जो क्वालिटी थेराेरापी तो अलहमदुल्लह मुझे पता है तो लेने में इंशोलॉजिस्ट को हे अस्सलाम वालेकुम आप भी हमारे इस काम में तौन करें अपनी zakat और sadaqat के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब आपके मददगार बने रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें जज़ाकअल्लाह